वेलकम टू माय फ्रेंड्स चैनल। और कैसे हो? बहुत दिनों से वीडियो आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्मार्ट कंट्रोलर पर है। ये दो कंप्रेसर को चलाता है और इसमें टाइम रहता है अलग अलग, 4 हॉर्स प्लस 8 हॉर्स दोनों टाइम होते हैं इसके अंदर। जैसे जैसे चलवाना है वैसे वैसे ही चलाता है। तो खूब मैकेनिक तो खैर इसको समझते हैं, क्योंकि आजकल तो ये चीज़ अमूमन बात है, सबके सामने आती है। तो दोस्तों इसमें मैं ट्रेस कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन इसकी जो SMPS है ये इतनी बड़ी SMPS होती है इसमें, जो इस सप्लाई को इस SMPS को बोलते हैं बूस्टर सप्लाई। तो ये बूस्टर सप्लाई है, ये बूस्टर लगा रहता है इसके अंदर। बूस्टर देखिए दोनों तरफ से ये खंडित हो चुका है, ना नंबर है इसके। तो अपन इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मित्रों देखना भाई, आप ही समझना कि क्या इसमें फॉल्ट आ रहा है। मैं तो मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ अभी, और मेरा मीटर है डायोड मोड पे। तो पहले डायोड चेक करते हैं अपन। तो देखिए ये डायोड मोड पे मैं चेक करता हूँ इसको, तो 0-0 आ गया। 0-0 आने का मतलब ये हो गया ये खराब है सर। अब मैं दूसरे डायोड पे जाता हूँ, इस पे लगाया, इस पे बिल्कुल रीडिंग आ रही है, तो ये मेरा डायोड सही है। अब इस 3 नंबर डायोड पे जाता हूँ, इस पे भी 0-0 आ गया देखिए सर, तो ये भी मेरा शॉर्ट है। अब मैं आगे वह एक और डायोड है इस पे चेक करता हूँ, तो इस पे मेरी रीडिंग आ रही है, ये एकदम क्लियर है। तो दोस्तों ये दो तो डायोड खराब है, एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस ये कैपेसिटर खराब है। अब रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ मैं दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस लगी रहती है कि ये कहीं ख़राब तो नहीं है। तो मोड चेंज करता हूँ मैं, ये मोड रेजिस्टेंस मोड पे आ गया, तो ये मैं चेक करता हूँ इसको। तो मेरी रेजिस्टेंस बता रही है दोस्तों 680 ओम की है, ये 688 बता रहा है, तो 90 मान लेते हैं, 690 ओम की है ये। लेकिन इसकी डिजिट अगर चेक करता हूँ तो डिजिट के हिसाब से ये बता रही है 680, तो 10% या 5% ऊपर नीचे ये हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस मेरी सही बता रही है। तो दोस्तों दोनों डायोड चेंज करता हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, और कैपेसिटर चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखा। तो मैं इसको निकालता हूँ, समझ रहे भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ध्यान रखना पूरा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा फॉल्ट आएगा फिर पूछूंगा मैं आपको। तो मैंने कैपेसिटर सर निकाल दिया है, इसके नीचे लिखा है दोस्तों, देखो सही ढंग से दिख तो नहीं रहा, लेकिन 105 J है ये और 400 वोल्ट है ये। तो मैं ट्रेस करता हूँ देखिए कहाँ मेरे को मिलेगा क्या होएगा। तो मैं इस डायोड को भी निकालता हूँ, ये वाला डायोड है खराब है मेरा, तो ये डायोड मैंने ओपन कर रहा हूँ, ये निकाल दिया, दूसरा भी मैं निकालने जा रहा हूँ, तो ये मैंने दूसरा निकाला, ये दोनों निकाल चुका हूँ। सर जी एक चीज़ और चेक करनी होती है कि कहीं मेरी आगे शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, तो मैं कैपेसिटर पे जाके इसकी सेटिंग शॉर्टिंग चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग तो नहीं है मेरा आगे का सर्किट। तो मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर कि क्या है, ये मेरा कैपेसिटर यहाँ लग रहा है सर जी, तो यहाँ ये कैपेसिटर की वैल्यू शो हो रही है। शो हो रही है का मतलब अगर आगे शॉर्ट नहीं है, शो नहीं होती है और शॉर्टिंग बताती है तो शॉर्टिंग होती है, ये वैल्यू बता रही है, तो इसका मतलब आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों मेरे पास ये दो डायोड हैं, तो मैं दोनों डायोडों को अब लगाने जा रहा हूँ, और ये 4007 नंबर के डायोड होते हैं दोस्तों ये। और लगाते वक्त ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्रॉस की लाइन होती है उस पर एक क्रॉस होता है, और इस पर नंबर भी लिख रखे हैं 4007, इसके भी नंबर है 4007, तो मैं 4007 ही ये लगा रहा हूँ। लेकिन ये दिल्ली से लाए हुए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है सर जी, लेकिन फिर भी चेक करता हूँ मैं कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। काम नहीं कर रहा है
डायोड डाल दिया हूँ मैंने, दूसरा डायोड में लगा रहा हूँ उसके अंदर। तो दूसरा डायोड भी मैं डाल दिया हूँ, मैं इसको कट करता हूँ। ये मैं डायोड दोनों फिट कर लिया हूँ सर जी, देख लो बिल्कुल एकदम क्लियर। अब मेरे पास ये है एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 105J 400 वोल्ट, तो इसी को मैं इसमें लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं अब लगा चुका हूँ, ये तीन आइटम निकाल दिए मैंने। क्या भाई दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल सर, दोनों डायोड चेंज कर दिए, ये कर दिए, वोल्ट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं इसको लाइन देके चेक करता हूँ कि मेरा SMP सही हुआ या नहीं हुआ। सर ये इस साइड से लाइन और न्यूट्रल, ये वाला लाइन और न्यूट्रल है, तो मैं इसमें लाइन और न्यूट्रल अब दे रहा हूँ। और ये सीरीज में लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मेरी PCB क्लियर हो चुकी है, सप्लाई आ गई, देखिए आप बिलिंग करने लगी है, ये मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है। आपको सोनू जी आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, कि क्या फॉल्ट था और कैसे ठीक हुआ है। बिल्कुल सर जी, आपको बंधु आपको समझ में आ गया ना? इस तरीके से ये फॉल्ट होता है, और ये बूस्टर सप्लाई है, ये इसमें बूस्टर सप्लाई कैसे काम करती है वो मैं आपको थोड़ा अभी डिटेल से बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। बूस्टर सप्लाई का मतलब ये होता है जो मान लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का कम करते हैं ना, वो कम तो रेजिस्टेंस कर देती है, जैसे 400 नहीं, जैसे 220 जिसको बोलते हैं, तो 220 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी मानते हैं, 230 से ये 24 वोल्ट बना देती है, 680 ओम की रेजिस्टेंस जो है ये इतना ड्रॉप कर देती है कि वो 24 वोल्ट में आ जाता है। अब ये जो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि लोड को सहन कर लें, क्योंकि ओम्स में है। अब ये बूस्टर जो कैपेसिटर है, ये पावर को बनाए रखने के लिए बूस्टर कैपेसिटर इसमें लगाना पड़ता है, ताकि ये ग्रोबर करंट को बनाए रखे। इसको जब हटा दूंगा मैं, तो ये सप्लाई बिलिंग करने लग जाएगी या डेड हो जाएगी, ऐसे करने लग जाएगी, बिलिंग करने लग जाएगी, क्योंकि बूस्टर का मतलब ये ताकत देना, ताकत नहीं मिलेगी उसको, ताकत नहीं मिलेगी तो बिलिंग करने लग जाएगी। तो इसलिए ये और ये डायोड जो होते हैं ये DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रेक्टिफायर ही है, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, वो एक में बना देते हैं और ये चार अलग अलग हैं, चार अलग अलग को जोड़ करके ये प्लस माइनस बना करके इस कैपेसिटर को दिए गए, और ये वोल्टेज बिल्कुल इनको क्लियर मिल गए, क्लियर मिलते ही ये PCB ऑन हो गई। देखिए अभी ये रिले ऑन हो गई है, और इसमें सिस्टम यही होता है सर जी, जिस पे लिखा है CP1 CP2, तो इस CP का क्या मतलब होता है, बहुत ही कुछ मैकेनिक है वो अनाड़ीपना करते हैं आज भी। सी का होता है कंप्रेसर, पी का होता है फेस, कंप्रेसर फेस इस पे आता है या नहीं आता है, कंप्रेसर फेस, कंप्रेसर पी का फेस होता है,
जो लाइन अपनी होती है वो फेज और सी का कंप्रेसर होता है। तो एक और दो, ये दो कंप्रेसर को जिस हिसाब से चलवाना चाहते हैं अपन, इस पर डिटेल होती है, 8 घंटे और 4 घंटे। इस बटन को इस साइड करोगे तो 4 घंटे पे, और इस घंटे चार करोगे तो 8 घंटे पे। तो दो मोड होते हैं इसके, ये मोड पे होता है। इस पर सेलेक्ट करना है कि 4 घंटे पे किसको चलाना है, 8 घंटे पे किसको चलाना है। ये दोनों CP लिखा है 1 2, और ये ऑटो। इस पर कर दोगे तो ऑटो, ऑटो का मतलब ये फिर चलते रहेंगे ऑटो अपने हिसाब से, जो इसकी कमांड है उस कमांड के हिसाब से फिर चलते रहेंगे। तो ये दोस्तों, और ये आज का वीडियो अब कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो और नए नए वीडियो, नए नए बंदे सीखने के लिए आएंगे ये, तो मैं इनकी जो स्टडी है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।